अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गवादर सी पैक। नाज़रीन, तरक्की करते दुनिया में इंटरनेट के बगैर दुनिया एक जंगली जिंदगी लगती है, और सी पैक ने सिर्फ सड़कों ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री पर भरपूर तरक्की दी, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल सी पैक का पाकिस्तान चीन ऑप्टिकल फाइबर केबल मंसूबा है, जिसकी बुनियाद सन 2016 में रखी गई। इस मंसूबे ने बहुत तरक्की की। गिलगित में पाकिस्तान चीन ऑप्टिकल फाइबर केबल मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया। इस मंसूबे से गिलगित बल्तिस्तान में मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह 3G और 4G की सहूलियात मुयसर हुई, जो 3 साल में मुकम्मल हुआ। सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक 300 एहलकारों पर मुश्तमिल पेट्रोलिंग पुलिस गिलगित बल्तिस्तान में राहदारी मंसूबे के 439 किलोमीटर तवील हिस्से पर ट्रैफिक की महफूज और बिला तातुल रवानी यकीनी बनी रही। इसके बाद इस मंसूबे का फेज टू शुरू हुआ। पिछले साल बेंजिंग में पाकिस्तान की अहम फैसला साजी बॉडी कौमी इक्तिसादी काउंसिल ECNCC की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पाकिस्तान चीन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC प्रोजेक्ट फेज टू की मंजूरी दे दी। इस मंसूबे से चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी रूट के साथ साथ खुंजराब से कराची तक क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के क्याम की राह हमवार हुई। मंसूबा पाकिस्तान के शुमाली बॉर्डर को चीन के साथ बैनुल अक़वामी राब्ते के मुतबादल रास्ता फराहम कर रहा है, और पाकिस्तान को इलाकाई राब्ते के लिए डिजिटल गेटवे के तौर पर तब्दील कर देगा। नाज़रीन, ये ऑप्टिकल फाइबर इस वक्त दुनिया में इंटरनेट सप्लाई का बेहतरीन जरिया है। मिसाल के तौर पर ये बारीक सी कोई चीज, कोई सुई नहीं, बल्कि अगर आप तक ये वेब पेज इस वक्त तक पहुंचा है तो हो सकता है कि वो ऐसी ही किसी ट्यूब से होकर आपको पहुंचा हो, और ये ट्यूब खुद समंदर की तारी गहरियों में कहीं ना कहीं बड़ी होगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक ऑप्टिकल फाइबर केबल, वही जिसके बारे में अक्सर आपके खबरों में सुना होगा, ये कट गई है और इस वजह से इंटरनेट की फराहमी मुतासर हो रही है। क्या ये आपने सोचा है कि आखिर ऑप्टिकल फाइबर केबल होती क्या है, समंदर में क्या कर रही है और ये कैसे कट जाती है? क्या इसमें शार्क का भी कोई किरदार अदा होता है? और सबसे बड़ी बात कि इसकी मुरम्मत कैसे की जाती है? तांबे की टेलीफोन और इंटरनेट की तारों में बड़की लहर के जरिए सिग्नल भेजे जाते हैं। ये तारें आज भी आपको कई जगहों पर नजर आएंगी, और शायद आपके घर तक आने वाली तार अभी भी शायद तांबे की ही हो, लेकिन जब बात आती है पूरे पूरे मुल्कों के इंटरनेट ट्रैफिक की एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा डेटा ट्रांसफर करती है। वो अंदर से एक शीशे की बारीक ट्यूब जैसी होती है, जिसमें बिजली के बजाय रोशनी की लहर सफर करती है। ज्यादा साइंसी तफसीलात में जाए बगैर ये जानना काफी है कि इसके फवायद में तेज रफ्तार डेटा ट्रांसफर सबसे पहली चीज है। ये ट्यूब्स तो खुद इंसानी बाल की तरह ही बारीक होती है, लेकिन चूंकि ये शीशे की होती है, इन्हें काफी सख्त माहौल में रखा जाता है, इसलिए इन पर स्टील और दीगर मुख्तलिफ सख्त मटेरियल्स की तह लगा दी जाती है। इंटरनेट की सप्लाई के लिए ये समंदर में बिछाई जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल सिर्फ समंदर की तह पर बिछाई गई हो, कभी भी इन्हें जमीन पर बिछाया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में चीन इक्तिसादी राहदारी सी पैक प्रोजेक्ट के तहत खुंजराब पास के रास्ते पर बिछाई गई एक ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए पाकिस्तान और चीन का मुंसलिक किया गया। इसके अलावा जेरे समंदर 6 ऐसी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं जो पाकिस्तान को बाकी दुनिया से जोड़ती है। इनमें 4 का इंतजाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड PTCL के पास, 2 का इंतजाम एक निजी कंपनी ट्रांसवर्ल्ड के पास है। ये तमाम केबल्स कराची के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होती है, और मुल्क को मशरक के बेद से लेकर मशरक वस्ता, अफ्रीका, यूरोप और दुनिया के दीगर कई ममालिक से जोड़ती है। कराची से फिर केबल लैंडिंग स्टेशन के जरिए ट्रैफिक को बाकी पूरे मुल्क में तकसीम किया जाता है, जिसके लिए PTCL और ट्रांस वर्ल्ड अपने अपने नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती है। समंदर में केबल्स बिछाना इन केबल्स के लिए ज्यादा महफूज होता है बनिस्बत इसके कि इन्हें जमीन पर बिछाया जाए। जमीन पर इनके कट जाने का इम्कान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज्यादा होता है, जबकि समंदर में भी इन्हें तह में सिर्फ रखा नहीं जाता बल्कि थोड़ा नीचे दबाया जाता है, जिसकी वजह से ये जेरे आप भी ज्यादा महफूज रखती है। पाकिस्तान में अक्सर इंटरनेट पर ये मौजूद जेरे बहस रहता है, और कई लोग इसका इल्ज़ाम शार्क्स को भी देते हैं, क्योंकि बहरहाल फिल्मों में तो ऐसा ही दिखाया जाता है कि इनके दांतों के आगे कशियां तक नहीं टिक पाती, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। इन केबल में सबसे ज्यादा कट बहरी जहाजों की वजह से लगते हैं, जिनके 20 टन वजन लंगर अगर ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर गिर जाए, या लंगर वापस उठाते हुए ये केबल किसी तरह इस पर फंस जाए, तो फिर इसका टूटना यकीनी होता है।
एक मरतबा जब ये मालूम हो जाए कि कोई ज़ेरे समंदर केबल कट गई है तो इसकी मरम्मत के लिए एक तवील और सब्र आजमा मरहला होता है जिसमें लाखों डॉलर का खर्चा आता है। होता कुछ यूँ है कि ये समंदर केबल समूमा के ममालिक की टाली कंपनियों की शराकत से बिछाई जाती हैं। ऐसी सूरत में ये कटी हुई केबल जिस भी मुल्क की समंदरी हदूद के नज़दीक हो इस मुल्क से इस प्रोजेक्ट में शरीक कंपनी इसे ठीक करवाने की जिम्मेदारी ले लेती है। एक रोबोट के जरिए मुतासर केबल को दोनों तरफ से उठाया जाता है और पहले एक हिस्से के मुतासर टुकड़े को काट कर अलग कर दिया जाता है और इसमें नया टुकड़ा लगा दिया जाता है। फिर दूसरे टुकड़े के साथ भी यही अमल दोहराया जाता है। फिर केबल के दोनों हिस्सों को एक दूसरे के साथ जोड़कर इसकी टेस्टिंग की जाती है। इस पूरे काम में एक दिन भी लग सकता है और मौसम अगर खराब हो तो कई दिन भी। मगर खुशकिस्मती की बात यह है कि ज़ेरे समंदर कई ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की मौजूदगी की वजह से खराबी की सूरत में इंटरनेट ट्रैफिक को दूसरी केबल्स में मुंतकिल किया जा सकता है, हालांकि इसमें भी कई घंटे लग जाते हैं। पाकिस्तान में आम सार्फीन के लिए सन 1993 के आस पास मुतारिफ हुआ। इस वक्त ये अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP की फंडिंग से एक प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आया जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्किंग प्रोग्राम कहा जाता है। इब्तदा में सिर्फ बड़ी कॉरपोरेशन और बैंकों को इस तक रसाई हासिल थी। फिर 1995 में DigiCom नामी प्राइवेट कंपनी ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से अपनी डायल अप इंटरनेट सर्विसेज फराहम करने का आगाज किया जिसकी स्पीड 64 kbps थी। अपनी ज़ेली कंपनी पार्क नेट के जरिए अपनी डायल अप सर्विस फराहम करना शुरू कर दी है। ये सोचना बहुत अजीब लगता है कि ऐसा मुल्क जहां इंटरनेट दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के बरक्स कहीं ताखीर से आया, आज वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के हिसाब से दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में 10 करोड़ 20 लाख के करीब अफराद 3G और 4G इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं जबकि फिक्स लाइन इंटरनेट कनेक्शन की तादाद 10 करोड़ 40 लाख के करीब है। चुनाचे एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली अफराद की तादाद 40 से 49% के दरमियान है। सन 2019 से 20 तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर बेशतर शहरों में घर के दरवाजे तक फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए तेज तरीन इंटरनेट हासिल किया जा सकता है। तो अब जब आप दोबारा कभी अपने इंटरनेट इस्तेमाल करें तो एक लम्हे के लिए ये ज़रूर सोचें कि आपके पसंदीदा ऑनलाइन मवाद को आप तक कैसे पहुँचाया जाता है, पीछे कितना बड़ा आलमी निज़ाम मौजूद है और ये सब रोशनी की रफ्तार से होता है। CPEC ने आप तक इंटरनेट पहुंचाने में क्या किरदार अदा किया। नाज़रीन, आप इस तमाम निज़ाम के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दोबारा हरगिज़ मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।